बीजेपी अधीर रंजन चौधरी पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस उनकी बचाव में अलग अलग तर्क दे रही है। कभी कहा जा रहा है कि ये जुबान फिसलने का मामला, अधीर रंजन चौधरी खुद कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गई, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बंगाली आदमी है, हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है और एक गलती को इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। जरा सुनिए कि क्या कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। ये तो सरासर बीजेपी की गलती है, उन्होंने माफी मांग लिया, उन्होंने कहा कि मैं बंगाली हूँ और बंगाली को हिंदी की थोड़ी दिक्कत होती है, शब्द जब जल्दी नहीं आते हैं या कभी गलती होती है तो उसको इतना बड़ा इश्यू बनाना और कहना, और वो उन्होंने खुद ही ने कहा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं, ये स्लिप ऑफ टंग, इसके बावजूद भी श्रीमती सोनिया गांधी जी से कोई ताल्लुक नहीं उसका, उनके खिलाफ नारे लगा रहे, उनको अपॉलोजी पूछ रहे, तो इससे यही जाहिर होता है कितना जहर उनके पास, वो जहर उगाल रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ। तो आपने सुना किस तरीके से गैर भाषी होने का, गैर हिंदी भाषी होने का तर्क दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नीरज, इस पूरे मामले के ऊपर दादा अलग दलील दे रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी वो कह रहे हैं कि उनसे तो जुबान फिसल गई लेकिन वो उनका मतलब ये नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है गैर हिंदी भाषी व्यक्ति के बोलने का है क्योंकि बंगाली आदमी हिंदी नहीं समझ सकते हैं और मामला तो अब नेताओं तक पहुंच गया है। देखिए प्रणय, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। दरअसल राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों में आप देखे हो कांग्रेस ने उनको दबाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अधीर रंजन के बयान ने एक ऊर्जा दे दी है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस ऊर्जा को पकड़ा और उसके जरिए कांग्रेस में हमलावर हो रहे हैं। तो राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस अपने ही जाल में फिलहाल फंस गई है क्योंकि उनका बयान, देखिए अगर उन्होंने बयान स्लिप ऑफ टंग थी और स्लिप ऑफ टंग के बाद वो तुरंत आके सामने माफ़ी मांग लेते और माफ़ी मांग के उसी समय ये बात खत्म हो जाती कि ये मेरी जवान फिसल गई थी और मैं इसके लिए माफी मांग, लेकिन ये चीजें लगातार बढ़ती गई, अगले दिन संसद तक गई, संसद में हंगामा हुआ, बीजेपी को भी मौका मिला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संसद में इस मुद्दे को उठाया, तो कहीं ना कहीं राजनीति दोनों तरफ, अब वो राजनीति आगे चली गई, वो सोनिया गांधी तक चली गई है, सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के झगड़े में तब्दील हो गई है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से राजनीति कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि कौन अपने मकसद में कामयाब होता है, क्योंकि सारा जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं अपने मकसद की लड़ाई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह से इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि आदिवासी समाज के प्रति आपका रवैया क्या है आपका है। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, आप देखिए जब खुद भाजपा के नेता भी एक बात कह चुके हैं कि जब द्रौपदी मुर्मू जी का उम्मीदवारी अनाउंस की गई थी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद बार बार लगातार बयानबाजी आई कि वो कठपुतली होंगी, वो केवल एक साइन कोई और करेगा, फैसले कोई और लेगा, तमाम तरह की बातें सामने आई, तो कहीं ना कहीं भाजपा उस बात को कैश करना चाहती है कि आपकी मानसिकता ही ऐसी है इसीलिए आप लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं, जो भाजपा कह भी रही है। ये अलग बात है जो कल सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में तल्ख बातें हुई, जो आमना सामना हुआ वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया और उसको दोनों पार्टियां इस बात को समझ रही हैं। अब क्योंकि कांग्रेस के सामने परिस्थिति ये है कि अगर वो बैक करते हैं तो सोनिया गांधी के स्टेचर के साथ समझौता होगा और अगर भाजपा इसको बैक करती है तो भाजपा ने जो इशू उठाया है उसके साथ समझौता होगा, तो अब देखना होगा कि दोनों पार्टियों की तरफ से क्या कंक्लूजन निकलता है, अब ये मंडे को पता चलेगा। फिलहाल गतिरोध बरकरार है इस पूरे मामले के ऊपर, संसद में कामकाज नहीं हो पा रहा है और लगातार विवादों का बवंडर खड़ा होता जा रहा है। ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।